एवरीवन, फाइनली वो दिन, वो पल, वो मोमेंट्स, वो जिसका था इंतजार बड़ी बेसब्री से, वो आ गया कि हमारे जो था लेसन फाइनली वो रेडी हो गया। अब उसे तोड़ने का टाइम आ गया, जमीन से निकालने का। तो जी फर्स्ट हमने तोड़ लिया है, अम्मी ने बिस्मिल्लाह करके फर्स्ट तोड़ लिया। और देख ले माशाल्लाह से घर पे बने हुए, बिना जगह पे, बिना जमीन के होते हुए, कैसे आपने देसी लहसुन लगा सकते हैं घर में, वो आप हमसे सीख लें कि हमने कैसे किया। तो आप भी देखें कि माशाल्लाह इसे कितना अच्छा और कितना बड़ा हमारा लेसन हुआ है। कैमरे में बिल्कुल भी ये बड़ा नहीं लग रहा, छोटा सा लग रहा था। मुझे भी बड़ी देखकर हैरानी हो रही थी कि कैमरे में ये छोटा क्यों लग रहा है, रियल में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था ये। और बहुत ही ये अच्छी फीलिंग्स आ रही थी देख देख कर, जब खुद की बनाई हुई चीज़, खुद की लगाई हुई चीज़ जब बड़ी होती है तो बड़ी खुशी होती है, बजाय बाजार की ली हुई चीज़ से। तो मेहनत, एक एक पल जो, एक एक मोमेंट था, एक एक पानी टाइम पे देना, एक एक इनकी केयर करना, वो सारी की सारी जो होती है ना, वो रंग लाती है जब फाइनली ये रेडी होती है चीज़ जो हम लगाते हैं अपने हाथों से। तो देख लिए माशाल्लाह से हमारा जो लहसुन है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गया, अतः थोड़ी सी कम जगह पे इतना ज़्यादा लहसुन हो गया। देख लिए, आप भी देख लें कितनी मज़े का ये लग रहा है। और ये कैसे लगा हुआ है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसका सेटअप कैसे हुआ हुआ है। पहले ये देख लिए माशाल्लाह से, ये देखे कितना प्यारा लहसुन लगा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी देसी लहसुन, बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है इसका। और यकीन माने अगर ये कच्चा हो ना तो इसकी चटनी बना कर खाए तो हाँ मज़ेदार। तो ये देखें, आप भी देखें और साथ साथ एंजॉय करें, हमने भी एंजॉय किया मोमेंट जब लगाया, जब बड़ा हुआ, जब पानी दिया, जब जैसे जैसे ये बड़ा होता गया और जैसे जैसे अब ये रेडी हो गया। तो वो एक जो होता है ना लॉन्ग पीरियड्स इसका बड़े होने का, और वो जो जर्नी होती है वो बड़ी मज़ेदार सी होती है, यादगार सी होती है। वो आप भी ज़रूर ट्राई करें अपने घर में सेटअप करें किचन गार्डन का। और ये जो मज़ेदार सा लॉन्ग सा होता है ना सफ़र जर्नी, वो इंजॉय करें। तो देख लें माशाल्लाह से, ये देखिए हमारे लहसुन कितना 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 ज़्यादा हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा लहसुन दिया है, और हमने फाइनली इसे तोड़ लिया है। और आप भी देखिए साथ साथ, बाकी आप सब कैसे हैं कमेंट में बताइएगा कि हमारा लहसुन आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या ये आइडिया सही था या हमारा गलत था घर में बिना जगह बिना ज़मीन होते हुए, क्योंकि अमूमन घर जो होते हैं वो सारे के सारे मतलब ज़मीन के ही नहीं होती। तो ये देख लें माशाल्लाह से, ये देखें हमने ऐसे सेटअप किया था, ऐसे ऐसे ऊपर सेटअप करके मिट्टी डाल के, और हमने लहसुन लगाया था, थोड़ी सी जगह पर लगाया था, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गया, और इतना आई थिंक काफ़ी था। बाकी भी हमने चीज़ें लगाई हुई हैं वो भी आपको पता है कि हमने किचन गार्डन कैसे मैनेज किया हुआ है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। एंड आई और होप आपको देख लें मेरी आज की माशाल्लाह से वीडियो, फाइनली हम आज का सारे मूड के मैंने सारे आपसे लहसुन शेयर तोड़ किया लिया कि है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये खुशी का था, क्योंकि फाइनली मेरा लहसुन रेडी हो गया था, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्यूट सा कमेंट भी कर दें, और साथ साथ चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।